यहाँ पे किस लिए मिले हैं सबको बताएं कि आज हमारे बीच में हमारे कंपनी के एमडी मौजूद है जो हमको आगे सिखाने वाले हैं कि हम लोग मार्केट में जाए और कैसे एटीट्यूड के साथ काम करें, यानी किस नजरिए से हम लोग जो चीज को देखेंगे ना वैसे ही वो चीज हमको दिखेगा। सही बात है, तो वो कैसे बदल के हम लोग एग्जिट रिजल्ट निकल पाते। तो क्या आप लोग सीखने के लिए रेडी हो? ऑल माई टीम, आप सीखने के लिए रेडी हो? क्योंकि आज हमको हमारे सर ने अपना टाइम दिया हुआ है। सही बात है, तो आपकी जोरदार तालियों के साथ यानी थम दिखाएंगे और वेलकम करना चाहूंगी। प्लीज वेलकम मिस्टर कीर्तन मेहता सर। प्लीज वेलकम सर। ओके, थैंक्स निहाले मैडम। नमस्कार नमस्कार सर। सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? बस थम्स दिखाना है आपको और कुछ नहीं करना है, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ सभी लोग सुन रहे हैं मुझे। ग्रेट। ओके, सो दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के ऊपर आज हम लोग आए हैं। जो टॉपिक है आज का हमारा, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है एटीट्यूड, आज हम लोग सीखेंगे क्या होता है एटीट्यूड, किस तरीके से एटीट्यूड काम करता है हर एक जगह पे, किस तरीके से एटीट्यूड से हम कहीं पर भी कोई भी चीज के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे एटीट्यूड के ऊपर। ग्रेट। तो दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं एटीट्यूड के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज 100%। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं एटीट्यूड के बारे में, व्हाट इज 100%। अगर आप देखेंगे, अगर हम ऐसा समझ लेते हैं ए टू जेड तक, सब लोग प्लीज इधर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा फोकस करें, इधर उधर मत देखें। मैं देख रहा हूं काफी सारे लोग अभी भी एडजस्ट ही हो रहे हैं। राइट, सो व्हाट इज 100%। अगर हम देखें ए टू जेड तक, अगर ए इज इक्वल 1, बी इज इक्वल 2, सी इज इक्वल 3, इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो Z इज इक्वल 26। देन अगर बात करें तो एटीट्यूड का क्या महत्व होता है, जैसे अगर हम बात करें तो हार्डवर्क, अगर हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अगर हम उसको अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो उसका परसेंटेज होता है 98%। अगर हम नॉलेज की बात करें जिसका परसेंटेज होता है 96%। और कई सारे लोग बोलते हैं सर हम नसीब में बहुत बिलीव करते हैं, तो लक का जो परसेंटेज है वो है सिर्फ 47%। यानी कि अगर आप ज्यादा भी मेहनत करते हो फिर भी आप 100% नहीं हो। अगर आपके आपके पास नॉलेज है तो वो भी 100% नहीं है। अगर आप लक के ऊपर डिपेंडेंट हो तो वो भी 100% नहीं है। तो 100% है क्या? तो अगर आप देखेंगे एटीट्यूड, अगर एटीट्यूड के सारे वर्ड्स को अगर हम मिलाएंगे तो उसका होता है 100%। यानी कि आप दुनिया के अंदर कोई भी काम करिए, कोई भी चीज करिए, अगर उसका अगर आपका नजरिया जो एटीट्यूड है वो अगर पॉजिटिव नहीं है तो वो 100% आपको रिजल्ट कभी नहीं दे सकेगा। ये थोड़ी सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। कई सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो बहुत ही मेहनत करता हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। सफलता इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है वो गलत है, आप किसी और नजरिए से इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। कई सारे लोग बोलते हैं सर हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली, बहुत सारा हमने नॉलेज लिया लेकिन फिर भी हमको सफलता वो लेवल पे नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, नॉलेज के साथ साथ आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग बोलते हैं सर मेरे नसीब में ही कुछ नहीं है, मेरा लक कभी काम ही नहीं कर रहा है। तो दोस्त, लक का जो फुल फॉर्म होता है
जिसकी अगर मैं बात करूं, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, अगर आप सही दिशा में अगर काम करोगे तो ही आपका लक 100% काम करेगा। तो दोस्तों, इन सब के पीछे जिसका सबसे बड़ा योगदान जो है वो है माय डियर फ्रेंड्स, एटीट्यूड। तो आपका एटीट्यूड सही होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, एटीट्यूड तो सही बनाना चाहिए, लेकिन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक और बात आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। ये एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि एटीट्यूड का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। अगर हम बात करें तो एटीट्यूड का मतलब यह होता है हाउ वी फील एंड रिस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड। दोस्तों, एटीट्यूड का मतलब यह होता है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम उसको किस तरीके से फील करते हैं और उसके ऊपर हम क्या रिस्पॉन्स देते हैं, जो बनता है हमारा एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी लोगों को प्लान दिखाया, 2, 3, 4, 5 लोगों को अगर आपने प्लान दिखाया, सभी लोगों ने मना कर दिया इस बिजनेस के लिए, फिर आपका एटीट्यूड जो पहले दिन था बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही पॉजिटिव थे, जो एटीट्यूड आपका इस बिजनेस के प्रति था, लेकिन 4-5 प्लान जब आप करने जाते हो मार्केट के अंदर, फील्ड के अंदर, और लोग आपको मना कर देते हैं, फिर आपका एटीट्यूड अलग से चेंज हो जाता है कि नहीं नहीं यार, ये बिजनेस से काम नहीं होता है, इस तरीके से बिजनेस नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी स्कीम, बहुत सारे स्कैम मार्केट में चल रहे हैं। तो पहले दिन जो आपका एटीट्यूड इस बिजनेस को लेकर के था, वो बिजनेस का एटीट्यूड 5 प्लान के बाद आपका बदल जाता है, यानी कि आपने अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रिस्पॉन्स दिया। होता क्या है, पॉजिटिव सिचुएशन में सभी लोग पॉजिटिव तो रहते हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेगेटिव सिचुएशन में जब आप पॉजिटिवली अगर उसको एफर्ट में अगर आप लाते हो, वो परिस्थिति को अगर आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हो, तब जाके आपका एटीट्यूड राइट दिशा में जाता है। तो दोस्तों, एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी परिस्थिति में उस परिस्थिति को किस तरीके से फील करते हो और उसको रिस्पॉन्स देते हो, दोस्तों उसको एटीट्यूड बोलते हैं। और एटीट्यूड हर इंसान का अलग अलग होता है, आगे देखेंगे किस तरीके का होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दूसरी एक बात, व्हाट इज द रोल ऑफ एटीट्यूड फॉर योर ग्रोथ एंड सक्सेस। दोस्तों, एटीट्यूड का क्या महत्व होता है आपकी सफलता को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें, देखते हैं किस तरीके से एटीट्यूड हर एक लेवल पे काम करता है, एक ग्राफ के माध्यम से। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, कुछ जैसे हमारा बिजनेस का जो ट्री होता है उस तरीके का एक ट्री ओपन हुआ आपके सामने। चलो समझ लेते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम समझ लेते हैं तो उसके टॉप के ऊपर जो रहता है वो होता है चेयरमैन या सीईओ, उसके बाद होता है वाइस प्रेसिडेंट, उसके नीचे होता है जनरल मैनेजर, उसके नीचे होता है मैनेजर, और उसके नीचे होता है लेबर्स एंड वर्कर्स। दोस्तों, इन सभी लोगों के अंदर क्या फर्क है ना, उसको हम थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो चेयरमैन और सीईओ, जो वाइस प्रेसिडेंट के जो लेवल के लोग रहते हैं दोस्तों, उनके अंदर 90% एटीट्यूड होता है और 10% स्किल होती है। इसको समझने का कोशिश कीजिएगा सर। जो टॉप लेवल के लोग, जो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, जिनके अंदर 90% एटीट्यूड होता है और 10% उनकी स्किल होती है। और अगर आप जैसे जैसे नीचे जाते हो, वैसे वैसे जितने बॉटम पे आते हो, जिसके अंदर
90% स्किल काम करती है और 10% एटीट्यूड काम करता है। दोस्तों आप देखना, आप अगर कहीं पर जॉब लेने चाहते हो तो वहां पर आपका स्किल का इंटरव्यू होता है, एटीट्यूड का इंटरव्यू नहीं होता है। समझिए इस बात को, अगर आप कहीं पर भी जाते हो, कोई भी फील्ड में चले जाओ, तो सामने वाला बंदा पूछेगा आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, यानी कि आपका स्किल का एक्सपीरियंस क्या है, ना कि आपका एटीट्यूड का एक्सपीरियंस। जो टॉपर्स कैटेगरी होती है वो सारे के सारे लोग 90% एटीट्यूड से पूरी दुनिया को कंट्रोल में करते हैं। जिनके पास फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें मुकेश अंबानी, क्या लगता है मुकेश अंबानी को पेट्रोल बनाना आता है? नो माय डियर फ्रेंड्स, पेट्रोल तो वो लोग बनाते हैं जिनके पास 90% स्किल होती है। जिनको पेट्रोल बनाना आता है वो लोग सैलरी पे काम करते हैं, और जिनको नहीं आता है वो लोग आज पूरी दुनिया के अंदर टॉप 10 कैटेगरी में आते हैं। इसका रीजन क्या है माय डियर फ्रेंड्स? केयूर भाई आप बजू ध्यान आपको, इसका रीजन क्या है माय डियर फ्रेंड्स? कि जितने भी टॉपर्स लोग रहते हैं ना, वो लोग को पता है मुझे किस तरीके से इस पूरे के पूरे ट्री को हैंडल करना है, जबकि 90% स्किल पर्सन लोग सिर्फ अपनी सैलरी के लिए बस उतना ही सोचते हैं और उतना ही देखते हैं। उनका नजरिया सिर्फ सैलरी बेस तक रहता है, उसके आगे कभी वो लोग जाते ही नहीं। मुकेश अंबानी कभी ये नहीं पूछता कि भाई कितना पेट्रोल का प्रोडक्शन हुआ, वो ये पूछता है कि ये महीने में प्रॉफिट कितना हुआ। वो लोग प्रॉफिटेबल बात करते हैं जबकि हम लोग सैलरी पे बात करते हैं। ये सबसे बड़ा एक डिफरेंट पॉइंट है जो उच्च कक्षा वाले लोग जो रहते हैं उनका पहले से वो एटीट्यूड रहता है कि किस तरीके से हम पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सके। वही एटीट्यूड माय डियर फ्रेंड्स आज हमें भी बनाना है, राइट? अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो प्लीज आप अपना थंब खड़ा कर सकते हैं, राइट? ओके, थैंक्स। सबको मेरी आवाज बराबर आ रही है, राइट? ओके, फाइन। सो आगे बात करते हैं एटीट्यूड के ऊपर। दोस्तों क्या होता है ना, डेवलप योर हायर टेस्ट, डिस्कार्ड योर लोअर वन। इसका मतलब क्या है? आप अपना जो टेस्ट है उसको दिन ब दिन बढ़ाते जाइए और जो आपका बॉटम टेस्ट है आप उसको छोड़ते जाइए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, आप सभी लोगों ने देखा होगा सुअर, राइट? अगर सुअर के सामने अगर आप गुलाब जामुन रख दो क्या होगा? अगर आप इसके सामने अगर गुलाब जामुन रख दो क्या होगा? वो गुलाब जामुन खाएगा? हेलो, यस और नो? थोड़ा बॉडी लैंग्वेज को भी बताते रहना आप मेरे को। अगर वो सुअर के सामने अगर गुलाब जामुन रख दे तो क्या होगा? वो नहीं खाएगा माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन अगर आप उसके सामने मल मूत्र रख दो तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाएगा। क्यों माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो लोअर वन है, उसने कभी अपने टेस्ट को हायर किया ही नहीं है। ठीक उसी तरह जो हमारा भी टेस्ट है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो लोअर वन पे कहीं ना कहीं अटक गया है, वो कहीं ना कहीं अटक गया है। हमको भी हमारा जो टेस्ट है उसको एक लेवल पे अप करना पड़ेगा। हर लेवल पे आपके एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, हर जगह पे आपका नजरिए को बदलना पड़ेगा। कई सारे लोग परिस्थिति के हिसाब से एटीट्यूड बदल लेते हैं। जैसा अगर बात करें, एक पानी का गिलास है जो आधा भरा है आधा खाली है। माय डियर फ्रेंड्स, कई सारे लोग बोलेंगे पानी का गिलास आधा खाली है, और कई सारे लोग बोलेंगे पानी का गिलास आधा भरा हुआ है। तो ये जो सामने वाला जो सोचता है ना, उसके ऊपर से ये चीज पता चलती है कि उसका हर परिस्थिति में क्या एटीट्यूड होता है। समझे इस बात को, क्या एटीट्यूड होना चाहिए वो आगे हम बात करेंगे। तो दोस्तों कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा बजे टेस्ट है वो एक जगह पे आके अटक गया है। अभी अपने भी टेस्ट को थोड़ा लोअर हायर वन करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से
अगर हम बात करें तो दोस्तों हर भारतीय एशियन हो सकता है, हर भारतीय एशियन है, लेकिन हर एशियंस भारतीय नहीं हो सकता है। समझ में आई बात मेरी? हर इंडियन एशियन हो सकता है लेकिन हर एशियंस इंडियन नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह हर एटीट्यूड के साथ में एक छोटा ईगो आता है, लेकिन हर ईगो के साथ कभी एटीट्यूड नहीं आ सकता। इस चीज को आप समझने का कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड्स, कि जितने भी लोगों के पास अगर एटीट्यूड है तो उसके साथ ईगो एसेसरी है, वो साथ में आता ही आता है, लेकिन हर ईगो के साथ वो एटीट्यूड कभी नहीं है। अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड्स कि क्या है राइट एटीट्यूड और क्या है ईगो एटीट्यूड, ये दोनों को डिफरेंशिएट करना भी बहुत जरूरी है। कई सारे लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग समझ ही नहीं पा रहे कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं या गलत दिशा में जा रहा हूं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स कि आपका एटीट्यूड सही क्या है और गलत क्या है। अगर हम बात करें कोई भी परिस्थिति में हम अगर ये बोलते हैं कुछ भी हो मैं जीत के बताऊंगा, कुछ भी हो मैं जीत के बताऊंगा, तो दोस्तों हम इसको मान सकते हैं ये राइट एटीट्यूड है, राइट। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अगर आप ये बोलते हो मुझे कोई हरा नहीं सकता, तो माय डियर फ्रेंड्स ये है आपका ईगो एटीट्यूड। अगर आपने ये सोचा कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है, तो माय डियर फ्रेंड्स वहीं पर आप ठहर जाइए, वहीं पर आप ठहर जाइए और इस एटीट्यूड को बदलना शुरू कीजिए। आप कर सकते हो, बहुत बड़ी बात है। कई सारे लोग बोलते हैं ना मैं कर सकता हूं, अच्छा बात है, कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं ही कर सकता हूं यह गलत बात है। हर चीज के अंदर आपका एटीट्यूड बिल्कुल सही होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आज के बाद मैं समझूंगा सारे के सारे लोग अपने एटीट्यूड को सही दिशा में लेके जाएंगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ईगो इज अनहेल्दी बिलीफ विच कन्वर्ट योर कॉन्फिडेंस। ईगो एक ऐसी चीज है, बिल्कुल अनहेल्दी चीज है, जो आपको कॉन्फिडेंस को दोस्त एरोगेंस में बदल देती है। ध्यान से सुनना इस बात को, ईगो इज अनहेल्दी बिलीफ। ईगो एक ऐसा अनहेल्दी विश्वास है जो आपके कॉन्फिडेंस को एरोगेंस में बदल देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स ये जो एरोगेंस में कन्वर्ट होता है, विच डिस्ट्रॉय योर लॉन्ग टर्म गोल टू फुलफिल आवर शॉर्ट टर्म गोल। जो अनहेल्दी ईगो है, जो आपके कॉन्फिडेंस को एरोगेंस में बदल देता है, जो आपके लंबे समय के गोल को, माय डियर फ्रेंड्स लंबे समय के गोल को बर्बाद कर देता है, जबकि आपके शॉर्ट टर्म गोल को ये सेटिस्फाई कर देता है। हम बोलते हैं ना कभी कभी कि मननी संतुष्टि माटे आपने कहीं पर बोली दी है, हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी बोलते हैं, वो टेम्पररीली उस वक्त के लिए आपको आपका ईगो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन वो लंबे समय के बाद वो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी करवा देगा। सो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। ईगो इज अनहेल्दी बिलीफ विच कन्वर्ट योर कॉन्फिडेंस इनटू एरोगेंस विच डिस्ट्रॉय अवर लॉन्ग टर्म गोल टू फुलफिल अवर शॉर्ट टर्म गोल सेटिस्फेक्शन। इस चीज को आप डायरी पर लिख देना माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को आप बोर्ड पे लिख देना, अपने ईगो को थोड़ा सा माय डियर, ईगो आएगा, एटीट्यूड है तो ईगो आएगा, लेकिन एटीट्यूड 99% है तो चलेगा। अगर आपका ईगो अगर 10% भी बढ़ गया ना, तो
तो आपका पूरा का पूरा एटीट्यूड का सत्य नष्ट कर देता हूं। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा अगर हम बात कर रहे हैं व्हाट वी आर डूइंग इन अवर स्पेयर टाइम, हमारे पास जो खाली समय होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी एक्टिविटी का सब्जेक्ट है। यहां पर भी आपका एक एटीट्यूड आएगा, हम अपने खाली समय को किस तरीके से यूज करते हैं, हम अपने खाली समय को किस तरीके से यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों अगर बात कर रहे हैं तो अभी कौन सा पीरियड चल रहा है स्क्रीन पर आप देख सकते हो, कौन सा पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन, राइट? यस, अभी चल रहा है लॉकडाउन। अगर हम बात करें लॉकडाउन जैसे चालू हुआ, बहुत सारे लोगों ने थोड़ी अंगड़ाइयां ले ली, चलो अभी तो वक्त ही वक्त है टाइम पास करने के लिए, सही है। बहुत सारे लोगों ने, जैसा स्कूल के बच्चे को वैकेशन मिलता है ना वो बहुत खुश होता है, वैसे हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत खुश हैं यार, चलो अपने को समय मिल गया बहुत कुछ ऐसी एक्टिविटी करने का जो हम कई दिनों से सोच रहे थे, इसके लिए हमको समय ही नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग ये देखना चाहते हैं हम इस समय का उपयोग किस तरीके से करते हैं। दोस्तों अगर मैं बात कराऊं, अगर मैं बात करूं तो अभी हमारा टाइम कहां पर जा रहा है, थोड़ी मैं कोशिश करूंगा सच्ची बातों से उजागर करने की मैं कोशिश करूंगा, कोई भी व्यक्ति इस चीज को गलत मत लेना क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये जो लॉ है वो पूरी की पूरी यूनिवर्सल को लागू पड़ता है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अभी लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोगों ने इस चीज को पॉजिटिव लिया, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को नेगेटिव लिया। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि हम इसके अंदर इंप्रूव हो जाए, और नेगेटिव ये है या फिर हम लोग इसके अंदर आलसी बन जाए, लेजी बन जाए, क्योंकि अभी हमारे पास तो काम ही नहीं है ना, सुबह में उठने का, नाश्ता करने का, चाय पीने का, दोपहर में खाने का, दो तीन घंटा सो जाने का, रात को फिर वापिस खाने का, सो जाने का, यही चीज हमारे पास है आज की तारीख। हम आज की तारीख में हमारे पास जो हमारा समय है उसको हम ठीक इसी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज को भी अगर हम पॉजिटिव ले तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन हमारा समय जाता किधर है वो थोड़ा हम देखने का कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करूं क्या हम लोग ज्यादातर समय कोरोना के रूमर्स को फैलाने में डाल रहे हैं, यस और नो? प्लीज अपना थंब खड़ा कर सकते हैं, मुझे पता चले आप नहीं करते हो लेकिन कोई और तो करता है। आप अभी घबराइए मत, मतलब ऐसा मत सोचे अगर मैं थंब खड़ा करूंगा तो सर बोलेंगे कि देखो यार ये तो पकड़ा गया, ऐसा नहीं है। अभी जितने भी लोग ऑनलाइन हैं मैं समझ लेता हूं ये सारे के सारे लोग अच्छे लोग हैं, ये लोग ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जिन जिन ग्रुप के अंदर एडेड हैं वहां पर बहुत सारे सुरक्षा कर्मी उस ग्रुप के अंदर हैं जो आपको हर मिनट हर सेकंड अपडेशन देते रहते हैं, लॉकडाउन 14 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल तक हो जाएगा, गुजरात के अंदर इतने सारे केसेस बढ़ गए, स्टे होम स्टे सेफ, 20 मिनट आप अपना हाथ को साफ करिए, मुंह पे मास्क पहनिए, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आपके ऊपर आते हैं जबकि ये सारी चीजें सबको पता है। हेलो, सही है कि गलत है? जबकि ये सारी चीजें सबको पता है फिर भी बार बार क्या हम जाने अनजाने में
कोरोना को एज अ रूमर्स कि हम व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा या टिकटॉक के द्वारा कहीं स्प्रेड तो नहीं कर रहे? क्या हमारा समय इन परिस्थितियों में ऐसी चीजों में जा रहा है जिसका ना फायदा आपको है ना फायदा सामने वाले को है? आप मुझे एक बात बताइए, क्या इससे किसी का कुछ फायदा हुआ? नो माय डियर फ्रेंड्स, इससे सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैली है। और एक बात ध्यान में रखना, जिस चीज को आप बार बार करते हो, लगातार करते हो, उसकी आदत बन जाती है। अगर आपको कोरोना के पीरियड में कोरोना के मैसेजेस फैलाने में अगर आपने 3-4-5 दिन अगर टकाटक 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 मैसेज डालना शुरू किया, फिर आप इसको रोक नहीं सकते हो, फिर ये आपकी आदत बन जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या हम अपना समय ऐसे रूमर्स को फैलाने में तो नहीं कर रहे? दोस्तों, अगर बात करें, अभी सबसे ज्यादा जो मशहूर है आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो क्या है? टिकटॉक। हेलो, सबको मेरी स्क्रीन दिखाई रही है? हेलो, सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ओके फाइन। दोस्तों, आज हमारा जो समय जा रहा है टिकटॉक में देख रहा हूं सर, बहुत सारे लोग सिर्फ लाइक्स को बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा मुझे लोग फॉलो करें, ज्यादा से ज्यादा मैं कमेंट लूं, इसके लिए बहुत सारे फनी वीडियोस बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये फनी वीडियो बनाते हैं। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, ये फनी वीडियो बनाने से आपको अगर कुछ फायदा होता है तो मैं बोलना चाहूंगा वो फायदा आप मुझे भी दिखाइए, मैं भी ऐसे फनी वीडियोस बनाना शुरू करता हूं। दोस्तों, होता क्या है, आपका स्टेटस जो होता है ना, वहां से पता चलता है कि आप क्या सोच रहे हो। आप जो वीडियोस दुनिया को दिखा रहे हो, वो वीडियोस दिखा रहे हैं कि आप दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सही है कि गलत है? हाथ खड़ा कर दो माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। हम 2 घंटा एक टिकटॉक का मैसेज बनाने में निकालते हैं, मैं बोलता हूं 2 घंटा कम से कम एक बुक को पढ़ लेते हैं। तो नहीं पढ़ सकते? टीवी चालू करते हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग क्या देखते हैं? कोरोना 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 कोरोना। सुबह 9 से 10, रात को 9 से 10, बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आ रहा है जिसका नाम है रामायण, उसको आप देखिए। होता क्या माय डियर फ्रेंड्स, हम ज्यादातर समय हमारा जो है ना वो ऐसी ऐसी फालतू चीज में चला जाता है जिसका ना तो आपको फायदा है ना ही दुनिया को फायदा है। अगर आप कुछ वीडियोस बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो अगर किसी को मैसेज देता है ना, वो सबसे अच्छी बात है। मैं भी टिकटॉक देखता हूं, मेरा भी टिकटॉक का आईडी है, लेकिन मेरी आईडी में आप जाइए कभी भी आपको फनी वीडियोस नहीं मिलेंगे। इससे क्या होता है, मेरा इमेज डाउन होता है। क्योंकि क्या होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, आपने कभी देखा विवेक बिंद्रा जी ने कोरोना पे टिकटॉक बनाया, वो खिड़की ऊपर खड़े रह के? हाँ, कुछ टिकटॉक आते हैं ना। वो खिड़की पर खड़ा रहता है, फिर एक गाना बजता है, आगे सो जाता है, ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे क्या? आपने कभी देखा विवेक बिंद्रा जी ने ऐसा वीडियो बनाया? क्या आपने कभी देखा सोनू शर्मा जी ने ऐसा वीडियो बनाया? नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका एटीट्यूड अपर क्लास का है तो आपको बॉटम क्लास का एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा। यहां पर वापस एटीट्यूड की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स।
अगर आपका एटीट्यूड अपर क्लास का है तो आपका बॉटम क्लास एटीट्यूड को छोड़ना पड़ेगा। मैं टिकटॉक छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, टिकटॉक बनाओ लेकिन उसके अंदर आपको फॉलो वो लोग करे जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोग आपको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो लोग आपको कभी भी फॉलो नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आगे बात करूं, अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ, एक्सेप्ट चैलेंजेस। हेलो, अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ एक्सेप्ट चैलेंजेस। मैं देखता हूं कभी कई सारे लोगों के स्टेटस एक्सेप्ट चैलेंजेस फलाना ढिंकाना एक्स वाई जेड, एक्सेप्ट चैलेंजेस माय डियर बेस्ट फ्रेंड, एक्सेप्ट चैलेंजेस। मुझे समझ में नहीं आते कौन से एक्सेप्ट चल रहे हैं भाई। साड़ी वाला एक्सेप्ट चल रहा है, फ्रेंडशिप का एक्सेप्ट चल रहा है, सबसे अच्छा ड्रेस पहने उसका एक्सेप्ट चल रहा है। मैं बोलता हूं आपके स्टेटस में ये जो आप दिखा रहे हो ना, ये दुनिया को आप अपनी मानसिकता दिखा रहे हो। इसका मतलब ये कि आपके पास कोई काम धंधा है ही नहीं, आपके पास कुछ बचा ही नहीं अभी कुछ करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए आपके पास कुछ बचा ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। इसकी वजह से हम लोग फालतू में अपने आप को बिजी करने का कोशिश कर रहे हैं। कितना गोल्डन पीरियड ऊपर वाले ने आपको दिया, ये पीरियड के अंदर जो अपना नॉलेज बढ़ाएंगे ना, वो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा काम करेंगे। और ये पीरियड में जिन जिन लोगों ने अपने नॉलेज को नहीं बढ़ाया ना माय डियर फ्रेंड्स, वो लोग आउट ऑफ कवरेज होने ही वाले। लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों को इस तरीके से इसका भी पॉजिटिव जो यूज है वो भी सिखा दिया। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम लोग जूम एप्लीकेशन के ऊपर मीटिंग करेंगे, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आज हम लोग है कि नहीं है कि नहीं है, यस और नो? ये लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोग नया नया चीजें सीख रहे हैं, नया नया सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें सीखो जो आपको काम में आने वाली हो, ऐसा मत करो जो आने वाले वक्त में वो आपको कभी फायदा ही ना दिला सके। इस चीज इन सब चीजों को थोड़ा सीरियसली लेना माय डियर फ्रेंड्स, किसी को भी इस चीज को पर्सनली लेने का जरूरत नहीं है। ये टोटली ओवरऑल कॉमन बात है, मैं आपको बता रहा हूं, राइट? दोस्तों आगे बात करते हैं, एक्सेप्ट चैलेंजेस, डोंट एक्सेप्ट चैलेंजेस। अगर चैलेंजेस एक्सेप्ट करना है ना, तो डायमंड शिप का एक्सेप्ट चैलेंज करो। अगर एक्सेप्ट चैलेंज करना है, रोज का 5 प्लान करने का एक्सेप्ट चैलेंज करो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अगर आपको चैलेंजेस ही एक्सेप्ट करने हैं ना, अपनी टीम के अंदर 5 लोगों को 10,000 का चेक दिलाओ, इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करो। लेकिन जो चैलेंजेस अभी आप एक्सेप्ट कर रहे हो, वो चैलेंजेस से ना आपका फायदा है ना सामने वाले का फायदा है, बल्कि पूरी दुनिया को आप अपनी मानसिकता दिखा रहे हो। बात करते पासिंग टाइम विद टेलीविजन, चलो कुछ नहीं है तो फिर पिक्चर ही देख लेते हैं, पिक्चर देखना चाहिए। मैं बहुत सबको बोलता हूं फिल्में देखनी चाहिए, लेकिन कैसी फिल्में जहां से आपको कुछ मैसेजेस मिले। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जहां से आप बहुत सारा मैसेज ले सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वो सारी चैलेंजेस, वो सारा का सारा जो आपका टाइम है, वो टाइम आप कहां पर डालते हो, वो बहुत बड़ी मायने रखता है माय डियर फ्रेंड्स। तो टेलीविजन पर बैठो लेकिन उसका टाइम भी फिक्स करना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों दिस इज द गोल्डन टाइम टू ग्रो अवर नॉलेज, ये एक सबसे बड़ा सुनहरा समय है जहां पर हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। जब ये पूरा लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या आपके पास इतना समय मिलेगा? नहीं। आज आपको कुछ भी हो माय डियर फ्रेंड्स, चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ऊपर वाले ने आपको ये समय दिया कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए।
ये लॉकडाउन के अंदर आपका नजरिया कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है इस चीज को लेकर के, तब जाकर माय डियर फ्रेंड्स आप ग्रो करेंगे। जैसा मैंने पहले बात की थी, जो टॉपर क्लास लोग जो रहते हैं वो 90% एटीट्यूड से काम करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करते हैं, चैलेंजिंग एटीट्यूड से काम करते हैं, फाइटिंग एटीट्यूड से काम करते हैं, तब जाके वो लोग एक लेवल पे पहुंचते हैं। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर आपको डायमंड बनना है तो आपका एटीट्यूड डायमंड का होना चाहिए। अगर आपको हफ्ते का 2.5 लाख कमाना है तो आपका एटीट्यूड हफ्ते का 2.5 लाख के हिसाब से होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद अगर मैं बात करूं फेथ, विश्वास, दोस्तों होता क्या है, हमारा विश्वास आगे पीछे होता रहता है परिस्थिति के हिसाब से, यह भी एटीट्यूड का एक पार्टी है। अगर मैं फेथ की बात करूं, विश्वास की बात करूं, अगर आपके डिजायर बहुत बड़ी है, अगर आपकी इच्छा बहुत बड़ी है, अगर आपका एम, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, अगर आप बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा भगवान के ऊपर, आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने आप पर, खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कंपनी के ऊपर, आपको विश्वास करना पड़ेगा कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, फ्रेंड्स आपको विश्वास करना पड़ेगा कंपनी की प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपको विश्वास करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स आपकी अपलाइन के ऊपर, और आपको विश्वास करना पड़ेगा आपकी लाइफलाइन के ऊपर। इन सब चीजों के ऊपर जब आपका विश्वास मजबूत होता है ना, तब जाके आपकी जो डिजायर है, आपका जो एम है, आप जो बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें एक विश्वास के ऊपर आती है। कई बार क्या होता है, विश्वास दगमगाता है, दो लोगों ने मना कर दिया, भगवान पे से भरोसा उठ जाता है, कंपनी पे से भरोसा उठ जाता है, मैनेजमेंट के ऊपर से भरोसा उठ जाता है, अपने आप से विश्वास उठ जाता है। अगर अपलाइन 10 बार सपोर्ट करती है लेकिन 11वें बार नहीं करेगी तो मेरी अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, अपलाइन के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। मैनेजमेंट काफी अच्छी तरीके से 1 साल में हमने कंपनी को संभाल के रखा, सही है कि गलत है, मैनेजमेंट पे विश्वास करना पड़ेगा। और इतना मैं आपको पक्का बता देता हूं, जंक्चर मार्केटिंग का मैनेजमेंट कुछ चीजों में बिलीव करता है, जैसे पहली चीज है बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और दूसरा है टाइम टू टाइम पे आउट होना चाहिए सबका। हर इंसान जब इस बिजनेस के अंदर आता है तो वो दो चीजों के लिए आता है, एक तो उसको अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छा पैसा मिले, जब वो आता है तब यही चीजें होती है ना। बाद में उसका विश्वास बढ़ता है कंपनी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, धीरे धीरे वो विश्वास स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, लेकिन पहले दिन जब वो आता है वो अपने आप के ग्रोथ के लिए आता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे मार्केट में ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव करने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में जब आप नहीं हिलते हो ना, वो होता है आपका विश्वास कंपनी के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति। अगर आप कुछ बड़ा करने निकलोगे, लोग आपका विश्वास को तोड़ने का कोशिश जरूर करेंगे।
और जब लोग आपका विश्वास को तोड़ने का अगर कोशिश करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, उस वक्त एक चीज को ध्यान में रखना, जो बंदा आपको डरा रहा है इस कंपनी के अपोज में, जो बंदा आपको गलत गलत बातें बता रहा है, क्या उसने कंपनी में ज्यादा काम किया है या आपने काम किया है? अगर आपने काम किया है तो उसके ऊपर विश्वास करने का कोई जरूरत नहीं है। छोटी मोटी बातों में लोग नाराज हो जाते हैं, अपलाइन को कुछ ना कुछ मैसेजेस कर डालते हैं, है कुछ लोग अपलाइन को कुछ भी लिख डालते हैं, उनको कैसे समझाऊं? क्योंकि यहां पर तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को हम आगे बढ़ाते हैं किसी को नहीं बढ़ाते, ये नौकरी थोड़ी है। जो बंदा परफॉर्म करेगा वो अपने आप आगे जाएगा, जो बंदा नहीं करेगा वो अपने आप नीचे जाएगा। तो उसमें कहीं पर भी अपलाइन या मैनेजमेंट या कंपनी का रोल है ही नहीं। अगर आपका एटीट्यूड ही गलत है तो हम क्या करें? आपका एटीट्यूड को सही करना पड़ेगा, अंदर अंदर नेगेटिव बातें बंद करनी पड़ेगी। ये सब चीजें जब हम करते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तब जाके एक फेथ बनता है, एक विश्वास बनता है, और ये विश्वास आपको बहुत आगे लेके जाएगा। ये भी एक एटीट्यूड का पार्ट है, विश्वास, फेथ, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने बहुत सारी बात की, हो सकता है बहुत सारी बातें मुझे करनी भी है, लेकिन जो टॉपिक के ऊपर आज हमने बात की इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आज आपको समय मिला है तो इस समय का सदुपयोग करें अपने नॉलेज को बढ़ाने में, स्किल को बढ़ाने में, अपने एटीट्यूड को बढ़ाने में, अपने टेस्ट को हायर करने में, ना कि आप अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा वेस्ट कर डालो उन सब चीजों के अंदर जिनके अंदर आपको एक रुपए का भी फायदा नहीं है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग लेके आते हैं, दोस्तों हमने बहुत अच्छे स्टेप उठाए, हर दो दिन के बाद हम कुछ ना कुछ टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, और मैं आशा रखता हूं कि इसका आपको पूरा का पूरा डिलीवर भी होता होगा। आप लोग इन सब चीजों को समझते होंगे, समझते कि नहीं समझते? यस और नो, थोड़ा हाथ खड़ा करें प्लीज। समझते सब चीजों को? तो ये एक प्रयास है कि हर कोई एजुकेट हो। हर दो दिन में हम जूम के ऊपर आते हैं कुछ ना कुछ नया देने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अभी अगले रविवार को हम और एक बिजनेस प्रेजेंटेशन सेमिनार लेके आ रहे हैं, टोटली जूम वेबिनार है। आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, देखो अभी इसके अंदर भी नजरिया होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में भी काम करना है तो करके रहेंगे, वो नजरिया होना चाहिए। जैसे हम व्हाट्सएप के अंदर एक दूसरे के साथ बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो क्या हम जूम एप्लीकेशन हम लोगों के अंदर इंस्टॉल करवा के क्या हम उनको यहां पर नहीं ला सकते हैं? यस और नो, ला सकते कि नहीं ला सकते? ला सकते। तो दोस्तों ठीक उसी तरह अगले रविवार को हम लोग एक प्रेजेंटेशन वेबिनार करने जा रहे हैं, जहां पर आपके नए लोगों को भी आमंत्रित करें इस वेबिनार के अंदर, और उस वेबिनार में हमारी कंपनी का पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा। हो सकता है आज के मतलब आज का जो हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है उसके अंदर कोई लोग ऐसा भी होगा जो इस कंपनी के साथ अभी जुड़ा नहीं है, लेकिन मैं उसको आगाज करता हूं, दोस्त जल्दी से फॉर्म साइन अप करिए और अपने जिंदगी को बदलने का एक सुनहरा अवसर जो आपको मिला है उसके अंदर आप आगे बढ़े। दोस्तों आप देखिए, कल का ही पेपर में था, बहुत सारी नौकरियां जाने वाली है आने वाले वक्त में, आज सुबह में ही आप कोई भी पेपर उठा करके देख लो,
सबसे ज्यादा भयानक परिस्थिति होने वाली है इकोनॉमी के ऊपर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर इन परिस्थितियों में अगर हमने अगर खुद को नहीं संभाला तो आने वाले वक्त में बहुत सारी तकलीफें हमको ही होने वाली है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये रविवार को हमने एक वेबिनार का आयोजन किया है। जो वेबिनार लेने वाली है ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया, मिसिस नेहाली पटेल जो कि कंपनी की फाउंडर लीडर है, जो 12 अप्रैल को दोपहर 1 बजे आपके सारे नए लोगों को इस वेबिनार में आमंत्रित करना है और उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाना है और उनको भी हमको मोटिवेट करना है कि भैया आइए हमारे साथ जुड़िए, आप भी अपने सारे सपने पूरे करें। तो कुछ उत्साहित करके लोगों को, नए लोगों को इस रविवार को दोपहर 1 बजे जूम वेबिनार पे सबको आना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, होप सो आज की ट्रेनिंग में हमने बहुत कुछ चीजें मैंने आपको बताई, हो सकता है पूरी की पूरी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर हम इसको फॉलो करते हैं, अगर हम अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो 100% माय डियर फ्रेंड्स हम सब साथ में मिलके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी शुभकामना के साथ मैं इजाजत चाहता हूं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सुना और मैं हैंड ओवर करता हूं हमारी कंपनी के फाउंडर मिस्टर जितेंद्र मेहता सर। प्लीज सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी। गुड मॉर्निंग ऑल। आवाज आ रहा है मेरा? थैंक यू। कैसा रहा सेशन? सेशन कैसा रहा? जबरदस्त। तो ऐसा ही सेशन आपके लिए बार बार आता जाएगा। आज का सेशन के अंदर बहुत कुछ सीखने जैसा था। सर ने बताया आधा ग्लास खाली और आधा ग्लास भरा हुआ। जिसका जैसा नजरिया होगा ना, वो इंसान वही देखेगा। किसी को आधा ग्लास खाली दिखेगा, लेकिन जिसका हायर लेवल का नजरिया होगा ना, वो भरा हुआ आधा भरा हुआ ग्लास दिखेगा। और एक सेंटेंस बोलूंगा, नजर का इलाज है नजरिए का नहीं। याद रखना, नजर का इलाज है नजरिए का नहीं। और दूसरा जो एक बताया सर ने नजरिए के बारे में, जैसे देखने जाएंगे चेयरमैन सीईओ ये सब चीजें जो बताई आपको, ये बहुत बड़े लेवल का टॉपिक है। अब अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आएगा, लेकिन इसको रिवीजन करना। सर ने जो बताया ना, उस चीज को रिवीजन करना। ये सबका अलग अलग रोल होता है। एटीट्यूड ऊपर 90% होता है। वो एटीट्यूड मतलब में कहीं ना कहीं फिजिकल नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सोचने की जो सोच होती है ना, नजरिया कुछ अलग तरह से होता है ऊपर की लॉबी में। तो वो बहुत बड़ी चीज है, इसको आप रिविजन करना। आपको मनन करने से आपको माइंड में जाएगा ये टॉपिक। उसके आगे देखेंगे, कहीं ना कहीं मेरे को बहुत अच्छा लगा, हायर टेस्ट और लोअर टेस्ट। जिस इंसान का गोल बड़ा है ना, वो कभी भी लोअर में नहीं जाएगा। वो हमेशा अपना नजरिया हायर में ही लेकर जाएगा। उसका टेस्ट हमेशा हायर ही रहेगा। अभी भी वापस बोल रहा हूँ, जिसका गोल बड़ा होगा ना, जिसको जीवन में बहुत कुछ करना है ना, वो जिंदगी में लोअर लेवल में नहीं जाएगा, वो हमेशा हायर टेस्ट के अंदर ही जाएगा। तो आप लोग अपने, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपकी माइंड के अंदर आपका सोच एक दिन में बदल जाएगा, लेकिन आप जैसे धीरे धीरे करके किसी चीज को कंटिन्यू करोगे ना, तो वो चीज आपके अंदर इंस्टॉलिंग हो जाएगी। तो आप बड़ा सोचना चालू करिए। सोचने में टैक्स नहीं लगता है। गवर्नमेंट है ना, सोचने में टैक्स नहीं लेती है, जीएसटी नहीं लेती है। खाली मेरे को सुनते जाना, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। जब आपका 1,000 करोड़ का इनकम, अभी सोचो कि 1,000 करोड़ का इनकम चाहिए मेरे को 10 साल के अंदर जंक्शन पे,
तो उसका टेस्ट उसका टैक्स नहीं लगता है, लेकिन सोचने का चालू करो ऊपर वाला 100 करोड़ या 10 करोड़ तो दे ही देगा। तो हायर लेवल का आप एटीट्यूड रखिए। उससे आगे बहुत कुछ सीखने लायक सर ने जो बताया ना, आज का सेशन माइंड ब्लोइंग था। क्या क्या बताऊं मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि किस किस चीज के बारे में बात करूं। लेकिन मेरे को सबसे अच्छा सर आज का सेशन में लगा ना कि चैलेंज एक्सेप्टेड जो लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ सबको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहे हैं। मैं चैलेंज क्या है उसको, चैलेंज शब्द को समझने का जरूरत है। और उसका नजरिया जैसा होगा ना, वो चैलेंज के अंदर वही चीज देखेगा। सर ने बताया कब कोई कपड़ा दिख रहा है, कोई सूट दिख रहा है, कोई साड़ी दिख रहा है, कोई ड्रेस दिख रहा है, कोई ये चीज। मेरे हिसाब से मैंने कई लोगों को मैंने FB पे देखा, स्टेटस पे देखा, मैंने जो चैलेंज शब्द के अंदर बैठ के देखा ना, मैंने एक ही चीज देखा कि साला 1.5 साल के अंदर कंपनी को गुजरात का टॉप पे कंपनी हम लोग कैसे बनाए ना, वही चैलेंज मेरे माइंड में आया। ये चैलेंज शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बोल सर ने जैसे बताया ना ऊपर की लॉबी 90% एटीट्यूड काम करता है। मेरा एटीट्यूड और सर का एटीट्यूड, हमारा मैनेजमेंट का एटीट्यूड आज भी वही है कि साला गुजरात का नहीं, आने वाले 3 साल में इंडिया के अंदर कंपनी को टॉप तक कैसे लेकर जाए, हम लोग वो प्लानिंग कर रहे हैं। क्या आप लोग आपके एटीट्यूड में वो चीज डालते हो? डालना चालू कर दो दोस्तों, क्योंकि जंतर मार्केटिंग तो जाएगा ही जाएगा 100%। उसको जहां जाना है ना वहां तो हम लोग लेकर ही जाएंगे। और मैं और केतन सर, मैनेजमेंट, नयाली मैडम, हम सब, विकास सर, हम सब यही चीज चाहते हैं कि आज हम लोग जो आज ये वेबिनार के अंदर जो तकलीफे देख के भी हम लोग एंजॉय करें ना, उसके अंदर हम लोग रह के उस टाइम पे आप लोग सब टॉप पे हो, ये हम चाहते हैं। तो ये नॉलेज के पार्ट को आज का जो सेशन है ना, ब्लास्टिंग है। हाँ, वो भी किसको दिखेगा पता है? जिसका नजरिया, वापस वही बोलूंगा, इस सेशन के अंदर उसको वही दिखेगा जैसा उसका नजरिया होगा। तो आपके नजरिए को बदलना सर। और टिकटॉक के बारे में बहुत अच्छी चीज बोली, याद रखना टिकटॉक आप लगाओ। मैं भी बीच में एक दो बार लगाया, लेकिन मैंने किसी ट्रेनर के लगाया। आप बड़े बड़े लोग क्या करते पता है? वो बोलते हैं ना कुछ शब्द, उसमें भी कुछ मैसेज होता है, कुछ करते उसमें मैसेज होता है। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, आपको अगर बड़ा बनना है ना तो आप कुछ करो ना, उसके अंदर मैसेज होना चाहिए। कुछ समाज ले, कुछ लोग ले, कुछ देश ले, आपके अंदर से मैसेज ले। आज सर ने जो सेशन रखा ना, उसमें भी बहुत बड़ा मैसेज है, आपकी लाइफ को बदलने वाला मैसेज है। आप चाहो तो बहुत कुछ इसमें से ले सकते हो। मेरे को बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में एक चीज पे ले जाऊंगा मैं आपको, कहीं ना कहीं फेथ, विश्वास, बीच में बहुत कुछ है लेकिन उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। सर ने आज का सेशन मेरे को बहुत स्पेशली मेरे को बहुत अच्छा लगा है पर्सनली। विश्वास शब्द है ना, दुनिया, पूरी दुनिया विश्वास पे टिकी है दोस्तों। आपका डिजायर बड़ा है, आपका एम तो आपका सक्सेस भी बड़ा है। आपका एम बड़ा है तो सक्सेस बड़ा होने ही वाला है, लेकिन उसके अंदर आपको अगर विश्वास नहीं है ना, इस चीज के ऊपर, आपके ऊपर विश्वास, भगवान के ऊपर, कंपनी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, आपके प्लान के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, और आपके टीम के ऊपर, लाइफ लाइन। तो दोस्तों एक ही चीज है, जिंदगी में विश्वास के बगैर कहीं नहीं जाओगे। मैं कई लोगों को देखता हूँ कि मुंह पे अच्छा अच्छा बोलते हैं लेकिन दिल से विश्वास नहीं करते ना, वैसा मत करना। कोई देखता है कि नहीं देखता है, ऊपर वाला तीसरी आंख लेके बैठा है ना, वो जरूर देखता है। जिंदगी में याद रखना, किसी भी चीज को यहाँ से दिल से विश्वास करना, क्योंकि एक शब्द में बोलना और आप दिल से विश्वास करो, दो में बहुत फर्क है दोस्तों। तो मैं एक ही चीज चाहता हूँ, आप दिल से विश्वास करो। आपकी कंपनी, आपका मैनेजमेंट, आपकी अपलाइन, आपको कहीं पर भी रॉन्ग वे में नहीं, आप खाली ब्लाइंडली फेथ करो। क्योंकि एक चीज याद रखना, उनका गोल बड़ा है ना तो आपको बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाने वाले। आप विश्वास करिए कंपनी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। और वापस थैंक्स बोलना चाहूंगा केतन सर के लिए, क्योंकि सर ने जो सेशन आज रखा ना, ब्लास्टिंग सेशन था, और मैंने बहुत एंजॉय किया इस सेशन को, और मैंने बहुत सीखा है। आप लोगों ने क्या सीखा वो आप देखो, लेकिन मैंने सीखा है। और वापस बोल रहा हूँ कि सेशन ब्लास्टिंग था, इसको मनन करना। अभी आपने जो लिया ना,
वो स्लाइड स्किप हो जाएगा माइंड में से, लेकिन जो लिखा है उसको वापस रिपीट करना। ये सेशन आपको एक्शन करवाने पे मजबूर करेगा, लेकिन नजर का इलाज है नजरिए का नहीं, याद रखना। नजर का इलाज है नजरिए का नहीं। तो आपका एटीट्यूड आज के सेशन रिलेटेड जो होगा ना, उसके ऊपर आप लोग जाओगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं केतन सर को हैंड ओवर करूंगा। थैंक यू सर। ओके, सो थैंक यू ऑल। और आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। सो वापिस मिलेंगे हम लोग 12 तारीख को दोपहर 1 बजे नए लोगों के साथ। बिजनेस प्रेजेंटेशन है, जितने भी हो उतने सारे लोगों को आप झूम पे लाइए और प्रेजेंटेशन को उसका प्रेजेंटेशन का बेनिफिट आप दिलवाइए। सो थैंक यू वेरी मच ऑल। बाय, सी यू।